कॉरपोरेट ऑफिस में भी जातिवाद। दलित कर्मचारी ने तंग आकर दे डाली जान। जातिवाद ने एक और होनहार दलित व्यक्ति की जान ले ली। बेंगलोर में एक कॉरपोरेट ऑफिस में जातिवाद का मामला सामने आया है। लगातार जातीय उत्पीड़न से तंग आकर एक नौजवान दलित कर्मचारी ने अपनी जान दे दी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 3 जून को 35 साल के दलित कर्मचारी विवेक राज ने सुसाइड से पहले यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपने साथ हो रहे जातीय भेदभाव और उत्पीड़न के बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताया था। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद विवेक राज ने सुसाइड कर ली थी। वीडियो में विवेक बताते हैं, मुझे खेद है और मुझे गर्व भी है। सिस्टम से लड़ना, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र, एक मुश्किल काम है। एक विशेष पृष्ठभूमि से आने वाले, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने, कड़ी मेहनत से आप में बदलाव आता है। आप एक इंसान के रूप में बेहतर होते हैं। आप दूसरों के प्रति दयालु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया आप पर मेहरबान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जैसा कि भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। मैंने उस आवाज को बनाने की कोशिश की है। सिस्टम भ्रष्ट है। पैसे और सत्ता वाले लोग आपको परेशान करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। जब आप कानूनी प्रणाली के माध्यम से लड़ने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सबसे बेहतरीन वकील मिलेंगे। वे उत्पीड़न को छुपाने के लिए जितना संभव हो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिस्टम को सही या परिभाषित नहीं करते हैं। विवेक राज लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम की प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। विवेक ने अपनी आखिरी वीडियो में आरोप लगाया है कि उनके साथ कंपनी के दो सीनियर कर्मचारियों ने जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव किया, लेकिन HR को शिकायत करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। विवेक के मुताबिक शिकायत करने के बाद उसे कंपनी की ओर से परेशान किया गया और इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया गया। इस मामले में कंपनी का कहना है कि वह जांच में सहयोग कर रही है। पुलिस ने विवेक की शिकायत के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई है और उन्होंने FIR रद्द कराने के लिए कोर्ट में याचिका डाली है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। व्हाइटफील्ड पुलिस ने धारा 34 समान मंशा से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य और 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत मामला दर्ज किया है। विवेक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 31R अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना या डराना और 31S किसी भी सदस्य को गाली देना के तहत मामला दर्ज किया था। खबर के मुताबिक विवेक ने थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने ना ही FIR दर्ज की और ना ही विवेक की शिकायत पर कोई जांच की। एक ACP के दखल देने के बाद इस मामले में FIR दर्ज हो पाई थी। इस मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस वालों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब व्हाइटफील्ड पुलिस इसकी जांच कर रही है। मृतक विवेक राज UP के कप्तानगंज का रहने वाला था। वो अपने घर का इकलौता बेटा था। उनके 67 साल के पिता राजकुमार ने इस बारे में कहा, पुलिस में शिकायत दर्ज करने और सुसाइड के बीच उसने मुझे 3 जून को कई बार फोन किया था। वह जिस स्थिति का सामना कर रहा था उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल कुछ सामान्य चीजों और मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था और मैंने उसकी शिक्षा के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। अब उसकी मौत के बाद मुझे जीवन भर अकेले रहना होगा। विवेक राज ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से पढ़ाई की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने विवेक के क्लासमेट के हवाले से छापा है। विवेक कॉलेज के दिनों में एक उज्जवल, मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र थे। वो बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। हमने 2012 में ग्रेजुएशन पूरा किया और काम करना शुरू किया। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया वह वाकई दिल दहला देने वाला है। NIFT के पूर्व छात्र कॉरपोरेट जगत में जातिगत भेदभाव के बारे में चिंतित हैं। हमारे देश में आज भी जात पात के कारण जाने कितनी ही प्रतिभाओं की हत्या हो रही है। सवाल उठता है कि 21वीं सदी के भारत में भी आखिर कब तक भारतीय इस तरह की जातिवादी मानसिकता को ढोते रहेंगे। सवाल तो ये भी है कि आखिर दलितों का ये कत्लेआम कब बंद होगा।
इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।